क्या 29 अप्रैल को वाकई में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या इतना नजदीक आ गया है मानव सभ्यता का अंतिम दिन? क्या कोरोना की महामारी से पहले ही एस्टेरॉयड हमारी जान ले लेगा? दोस्तों, इन सवालों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और इन वीडियो में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। तो चलिए आज इन सवालों की पड़ताल करते हैं और आपको बताते हैं इस खबर की सच्चाई। बने रहिए रहस्य टेलीविजन के इस एपिसोड के अंत तक। रहस्य टेलीविजन आपको बताएगा इस खबर की सच्चाई। दोस्तों, एस्टेरॉयड वाली ये खबर सबसे पहले अंग्रेजी अखबार में छपी थी, उसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। इस खबर ने लोगों के मन में डर का माहौल पैदा कर दिया। दोस्तों, हमारा सौरमंडल जिसमें हजारों राज दफन है, वैज्ञानिक कई सदियों से उनकी लगातार स्टडी कर रहे हैं। 29 अप्रैल को पृथ्वी के महाविनाश का जो खतरा बताया जा रहा है वह एक एस्टेरॉयड का है। एस्टेरॉयड जिसे हिंदी में उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। हमारे सौरमंडल में ज्यादातर उल्कापिंड का अड्डा मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में है। इस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर हजारों लाखों एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। एस्टेरॉयड पत्थर के बने होते हैं। इनका आकार छोटा होने की वजह से इनको ग्रह की बजाय क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के साथ ऐसी ही एक घटना घटी थी जिसमें 10 किलोमीटर डायामीटर वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था, जिस वजह से पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। उस समय लाखों की संख्या में डायनासोर मारे गए थे। वो एस्टेरॉयड जिस जगह पर गिरा था वहां पर 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। उस भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि उसके 800 किलोमीटर एरिया में आने वाले सभी जीव जंतु आग की भट्टी में तब्दील हो गए थे। तो क्या वाकई में 29 अप्रैल को डायनासोर की तरह मानव प्रजाति का अंत हो जाएगा? दोस्तों, जिस उल्कापिंड से पृथ्वी के महाविनाश का खतरा बताया जा रहा है उसका नाम 527681998 है। नासा ने इस एस्टेरॉयड को 1998 में खोज निकाला था। तब से लेकर आज तक नासा इस एस्टेरॉयड की हर गतिविधि पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है। इसका आकार हिमालय पर्वत जितना बताया जा रहा है। इसकी रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। हाल ही पृथ्वी की तबाही वाली अफवाह को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गलत बताया है। नासा की माने तो 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से होकर गुजरेगा, मगर इस एस्टेरॉयड की दूरी पृथ्वी से तकरीबन 4 मिलियन होगी, यानी कि 40 लाख किलोमीटर दूर से एस्टेरॉयड गुजरेगा। इस उल्कापिंड का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होगा। यह उल्कापिंड चुपचाप अपने रास्ते पृथ्वी के पास से होकर गुजर जाएगा। यह उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, यहां पर डरने वाली जरा सी भी बात नहीं है। एक अंग्रेजी वेबसाइट से विनाश वाली खबर की फैली अफवाह असल में एक डेली एक्सप्रेस नाम की अंग्रेजी वेबसाइट ने नासा के ऐलान के बाद खबर छापी थी, जिसके बाद ऐसी अफवाह फैली थी। इस खबर की हेडिंग थी क्षुद्र ग्रह की चेतावनी। नासा ने एक 4 किमी क्षुद्र ग्रह को ट्रैक किया है जो पृथ्वी से टकराया तो मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। उसके बाद मानव सोशल मीडिया पर पृथ्वी के महाविनाश की आग लग गई। दोस्तों, अगर ये उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आया भी तो हम भारतीय हैं, उसे देख लेंगे। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को आप हर व्यक्ति तक पहुंचाइए और उस अफवाह से बचिए। हमारा चैनल आपसे गुजारिश करता है कि आप इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। ये सब अफवाहें झूठी है। 29 अप्रैल को कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस खबर की सच्चाई से अवगत करवाइए। हमारा चैनल आपको हर खबर की सच्चाई पहुंचाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुरेश सांचोरी के साथ रहस्य टेलीविजन की रिपोर्ट, राजस्थान।